नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आजमगढ़ से संबंध एवं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कुछ दिन पहले निवेदन किया गया था कि 23 अगस्त 2022 को मंगलवार के दिन 11:30 बजे करीब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का स्थापना दिवस है और उस उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया है और आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि आप लोग यात्रा में शामिल हों। होने के लिए जीवनधारा कौशलहारा के चुंगी पर एकत्रित हों और इस शक्ति प्रदर्शन में सहभागी बने। इसी निवेदन के साथ आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आजमगढ़ से संबंध एवं सभी सनातनी धर्म प्रेमियों से निवेदन, सभी प्रेमियों ने आज बड़ी संख्या में बाइक रैली निकाला और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का स्थापना दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। तस्वीरें आजमगढ़ की है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कितने उत्साह में हैं और किस तरीके की रैली का आयोजन उन्होंने किया है। साफ तौर पर डीजे पर थिरकते नजर आए और जम करके भारत माता जय श्री राम के नारे लगाए गए। गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक बजरंग दल एवं जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़। अच्छा, आज क्या जुलूस हम लोगों ने निकाला विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर, चूँकि हमारे संगठन की स्थापना 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई थी, इसी निमित्त जन्माष्टमी से एक हफ्ते का समय लेकर के हम लोग पूरे देश भर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम करते हैं और इसी क्रम में आर्यमगढ़ में बाइक रैली का आयोजन किया गया और हिंदू समाज को जगाने के लिए हम लोगों ने अब विशाल बाइक रैली निकाली। 1000 से ज़्यादा बाइक लेकर के हिंदू समाज हमारा सम्मिलित हुआ, भव्य यात्रा रही। आर्यमगढ़ के सभी हिंदू भाइयों को हम लोग धन्यवाद करते हैं, आप सभी लोग हमारी रैली में आए, सफल बनाए और आज इस रैली के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने यह दिखाया है कि अब आजमगढ़ आर्यमगढ़ बनने की ओर अग्रसर है और हम लोग यह मांग भी करते हैं पूज्य योगी जी से कि शीघ्र आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की कृपा करें। रैली हमारी हर्रा की चुंगी स्थित जीवनधारा गौशाला सदर अस्पताल के ठीक सामने वहाँ से निकली है और तकिया, पहाड़पुर और पुरानी कोतवाली चौक, फिर नगरपालिका सिधारी और उसके बाद आकर के अग्रसेन चौराहे पर समापन हुई है और रैली में गाजे बाजे के साथ सभी लोग सम्मिलित हुए, अनेकों संगठन के लोग सम्मिलित हुए और इसके साथ साथ घोड़े हाथी के साथ भी अपने कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और बहुत ही अच्छा रहा। इसलिए हम सभी हिंदू भाइयों को अपनी तरफ से साधुवाद ज्ञापन।